पिछले दिनों एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से क्वेरी आई कि जो पीएचडी एमफिल क्राइटेरिया से रिलेटेड है, ये एमफिल पीएचडी क्राइटेरिया एचईसी वेबसाइट पे अवेलेबल है क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन के लिंक के अंदर। तो इसमें अगर पॉइंट नंबर 4 आप देखेंगे, क्वेरी ये थी कि क्या एक पीएचडी डिसर्टेशन एक कंट्री के दो एक्सपर्ट्स या उसी इदारे के दो एक्सपर्ट्स को भेजी जा सकती है फॉर एवेल्यूएशन पर्पज़। अगर पॉइंट नंबर 4 आप पढ़ेंगे तो इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि दो पीएचडी एक्सपर्ट्स जो कि टेक्नोलॉजिकली एकेडमिकली एडवांस फॉरेन कंट्री से होंगे, उनको ये एवेल्यूएशन के लिए पीएचडी थीसिस भेजा जाएगा। तो ये कतई तौर पर इस तरह नहीं है कि एक ही मुल्क के एक ही इदारे के दो एक्सपर्ट से एवेल्यूएट करवानी है, बल्कि दो डिफरेंट कंट्रीज़ के दो डिफरेंट एक्सपर्ट से इसको एवेल्यूएट कराना है। और ये चीज़ अगर आप पीएचडी कंट्री डायरेक्टरी के लिस्ट में भी आप देखेंगे कि अलग से दो कॉलम बने हुए हैं, रिव्यूअर वन रिव्यूअर टू, और जो रिव्यूअर वन का कंट्री और रिव्यूअर टू का कंट्री सेपरेट है, और एक्सपर्ट्स भी ज़ाहिर है डिफरेंट ही हैं। तो ये मैं चाह रहा था कि सब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्लियर हो कि इसकी ये जो पी एच डी थीसिस की एवेल्यूशन होनी है वो दो डिफरेंट कंट्रीज से दो डिफरेंट एक्सपर्ट्स के थ्रू होनी है। थैंक यू।